नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत के बाद शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, 100 लोग गिरफ्तार। जहरीली शराब से मौत मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर किया प्रदर्शन। बिहार नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की सारी तैयारी हुई पूरी, रविवार को सुल्तानगंज व नवगछिया में होगा मतदान। और अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 7 ट्रैक्टर जब्त, 4 लोग हुए गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिहार के अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से हो रही लोगों की मौत के बाद जहां बवाल मचा हुआ है, वहीं प्रशासनिक स्तर से जहरीली शराब से मौत मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है। हालांकि इस तरह की घटना के बाद पुलिस प्रशासन की ओर से बिहार के विभिन्न जिले और इलाकों में शराब माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर भागलपुर में उत्पाद विभाग और पुलिस के द्वारा की गई संयुक्त छापेमारी अभियान में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि छापेमारी में 89 लोगों को विशेष अभियान की चेकिंग के दौरान शराब पीने के आरोप में पकड़ा गया है, जबकि 11 लोगों को शराब बेचने के आरोप में उत्पाद विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि बिहार के लोग झारखंड के बॉर्डर पर जाकर शराब का सेवन करते हैं और उसी रास्ते से बिहार में शराब लाई भी जाती है। इसको लेकर लोगों का कहना है कि जब उत्पाद विभाग और पुलिस को भी इसकी जानकारी है तो फिर शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई पहले क्यों नहीं की जाती है। हालांकि फिलहाल पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त कार्रवाई से शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। पूरे बिहार में सभी जिला में युद्ध स्तर पर छापामारी चल रही है और सभी जिला में नज़र रखा जा रहा है और काफ़ी संख्या में लोग पकड़ा रहे हैं। भागलपुर में 89 व्यक्ति पकड़े गए हैं पीने में और 11 व्यक्ति शराब के साथ पकड़े गए हैं। ये लगातार छापामारी से रातों और दिन चल रहा है, काफ़ी तेज़ी से, और सभी अफसर मिल करके छापामारी कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया पास में पड़ता है, इसलिए झारखंड बगल में है, इस कारण लोग उधर से पी करके आ जाते हैं। जिला स्तर में तो उस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलती, जहां शिकायत मिल रही है वहां तुरंत छापामारी किया जा रहा है। छपरा में जहरीली शराब से 80 लोगों की हुई मौत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसको लेकर भागलपुर की सड़कों पर उतरकर भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के भगत सिंह चौक से खलीफाबाग चौक तक बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भागलपुर जिला प्रशासन और शराब माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहरीली शराब से हुई मौत के बाद मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया बयान भी कहीं से उचित नहीं है। वहीं सरकार से मांग करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि जहरीली शराब से हुई मौत के पीड़ितों को सरकार मुआवजा देने के साथ शराबबंदी कानून को भी सख्ती से लागू करवाए। इधर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला प्रशासन और शराब माफिया का भी पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। साथ ही भाजपा नेताओं ने कहा कि सरकार बीजेपी शासित प्रदेशों से शराब लाए जाने का आरोप लगाती है, लेकिन जब सरकार को यह पता है कि शराब कहां से आ रही है तो सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पूरे बिहार के अंदर जहरीली शराब के कारण मौतें हो रही है और आज न केवल सिवान, कुछ दिन पहले बिहार में भी जिस प्रकार से जहरीली शराब के कारण मौत हुई है, पूरे बिहार के प्रत्येक जिले में जिस प्रकार की घटनाएं घट रही है, आज नीतीश कुमार जी शराबबंदी को पूरी तरह लागू करने में पूरी तरह विफल हैं और जिस प्रकार पूरे बिहार के अंदर अपराध की घटना घट रही है और प्रशासन उस पर नाकाम साबित हो रही है, भारतीय जनता पार्टी आज पूरे बिहार के अंदर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शराब माफिया और जिला प्रशासन का पुतला दहन का कार्यक्रम रखी है। छपरा में हुए शराब कांड के बाद सभी जिले की पुलिस को सरकार के निर्देश पर एक्टिव कर दिया गया है। वहीं इसको लेकर गुप्त सूचना के आधार पर भागलपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप स्कॉर्पियो और पिकअप वैन से पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब की खेप को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए पिकअप पर लहसुन और आलू लदा हुआ था, जिससे पुलिस या किसी को भी शक नहीं हो, लेकिन पुलिस को मिली खुफिया सूचना और सक्रियता से तस्करों के मंसूबों पर पानी फिर गया।
पुलिस ने दोनों गाड़ियों से 49 कार्टून विदेशी शराब के साथ साथ लोगों की गिरफ्तारी भी की है। पुलिस ने बताया कि झारखंड के गोटा से शराब की खेप भागलपुर लाई जा रही थी, लेकिन पुलिस ने तस्करों के इरादों के पूरा होने से पहले ही नाकाम कर दिया। इधर गिरफ्तार तस्करों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सिटी एसपी सनप्रभात ने इस मामले में सख्ती बरतने का आदेश देते हुए कहा कि जिले के सभी बॉर्डर इलाके पर नजर रखी जा रही है, जबकि कई लोगों का कहना है कि आखिर बड़ी घटना या लोगों की मौत के बाद ही इस तरह की सक्रियता क्यों दिखाई जाती है। पालिका चुनाव को देखते हुए हम लोग डेली स्ट्राइक चलवा रहे हैं और कल के स्ट्राइक में जिला में कुल 40 गिरफ्तारी की गई है, इसमें से 29 गिरफ्तारी शराब के मामलों में है और इसमें 17 लोग पीने वाले हैं और 12 लोग शराब बेचने वाले हैं। और एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है जिसमें एक 4-व्हीलर वाहन जिससे करीब 435 लीटर शराब की बरामदगी की गई। इसमें टोटल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनकी निशानदेही पे 2 लोग गोड्डा से भी गिरफ्तार किया गया है बैकवर्ड लिंक के स्थापित करते हुए। नवगछिया प्रखंड के रामधारी सिंह उच्च विद्यालय प्रांगण में 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव का मतदान होना है। इसको लेकर नवगछिया एसपी शांत कुमार सरोज, एसडीओ उत्तम कुमार और एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद नवगछिया के 62 बूथ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। इस दौरान एसपी शांत कुमार सरोज ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सभी बूथों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है, जबकि इसके लिए सभी बूथों पर ईवीएम मशीन लेकर मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। इस दौरान नवगछिया प्रखंड विकास पदाधिकारी गोपाल कृष्णन, नवगछिया थानाध्यक्ष भरत भूषण समेत कई पुलिस पदाधिकारी और सुरक्षा कर्मी मौजूद रहे। तैयारी की है, बीसीसीपी है, सेक्टर्स है, जोन्स हैं, सुपर जोन्स हैं, एसडीपीओ एसडीएम साहब का टीम है, मैं भी खुद रहूंगा। मुकम्मल व्यवस्था है कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, अभी को ब्रीफ भी कर दिया। किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था पे वहाँ पे रहेगी सर बूथ पे? मैंने कहा ना, प्रत्येक बूथ पे फोर्स का डेप्टेशन हुआ है, फोर्स का मतलब स्टेट पदाधिकारी पुलिस के नियुक्ति की गई है और कई लेयर में है, देखा सेक्टर्स है, जोन्स है, सुपर जोन्स है, सारी व्यवस्था है। जनता के लिए क्या अपील रहेगी कल के लिए? शांतिपूर्ण मतदान में उनका भी सहयोग अपेक्षित है। भागलपुर सदर अनुमंडल अंतर्गत सुल्तानगंज नगर परिषद चुनाव को लेकर मुरारका कॉलेज प्रांगण में एसडीओ धनंजय कुमार की मौजूदगी में सेक्टर मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई। 18 दिसंबर को सुल्तानगंज नगर निकाय चुनाव के लिए होने वाले मतदान को लेकर एसडीओ के नेतृत्व में नगर परिषद सुल्तानगंज के 64 बूथ के अलावा नगर पंचायत अकवा नगर के विभिन्न बूथों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। इस दौरान मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन के साथ अकवा नगर, नगर पंचायत के अलग अलग बूथों एवं नगर परिषद सुल्तानगंज के सभी बूथों पर रवाना किया गया। वहीं इसको लेकर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि सुल्तानगंज नगर परिषद और अकवा नगर नगर पंचायत चुनाव को लेकर सभी बूथों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। एसडीओ ने बताया कि सभी बूथों पर ईवीएम मशीन देकर सुरक्षा बल के साथ कर्मियों को रवाना किया गया है, जबकि शांतिपूर्ण माहौल में मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सभी मतदाताओं से अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करने की अपील भी एसडीओ से निर्वाचित पदाधिकारी ने की। वहीं इस दौरान उपनिदेशक अनु कुमारी, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मूसी और शंभू सरन राय शाहकुंड, वीडियो अभिनव कुमार के अलावे कई विभाग के पदाधिकारी और काफी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। अभी यहां पे पोलिंग पार्टी की डिस्पैच की जा रही है, साथ ही साथ सेक्टर पदाधिकारी क्लस्टर प्रभारी जो बनाया गया है, प्रत्येक 3 वार्ड पे क्लस्टर बनाया गया है जहाँ पे रात्रि में जाके पोलिंग पार्टी और जो पीसीसीपी है वो रुकेंगे, उसके बाद वो अपने संबंधित बूथ के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही साथ सेक्टर पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है ताकि इलेक्शन के दिन वो मोबाइल रहेंगे फील्ड में, और अगर कहीं पे बीयूसीयू में कुछ समस्या आती है तो मास्टर ट्रेनर भी टैग हैं उनके साथ, वो अविलंब जाके उसको ठीक करेंगे ताकि निर्बाध हम लोग इलेक्शन करवा सकें। सभी जगह पर फोर्स की डिप्यूटेशन की गई है, लगभग सभी लोग आके ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से शांतिपूर्वक चुनाव करेंगे। बालू के अवैध खनन को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। बता दें कि बालू माफिया अवैध रूप से पैसे की उगाही के लिए अलग अलग हथकंडा अपना रहे हैं,
इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर अपनी टीम के साथ कार्रवाई करते हुए डीएसपी विधि व्यवस्था डॉक्टर गौरव कुमार ने शुक्रवार की अहले सुबह लोदीपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें उन्होंने बालू चोरी करते हुए चार चालकों को हिरासत में लेकर सात ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। गिरफ्तार चालकों की पहचान निरंजन कुमार, रंजन कुमार, पप्पू मंडल और राघव मंडल के रूप में हुई है। इसको लेकर खनन चोरी मामले में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विधि व्यवस्था डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार ने बताया कि इस क्षेत्र से अवैध खनन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि पुलिस गाड़ी को देखकर बालू माफिया सतर्क हो जाते हैं, इसके कारण उनकी टीम सिविल गाड़ी से मौके पर पहुंची और छापेमारी को अंजाम दिया गया। छापेमारी टीम में लोदीपुर और बाईपास थाना समेत वज्र टीम के प्रभारी सूरज कुमार शामिल रहे। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। बात फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नाथनगर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र अंतर्गत किशनपुर बाईपास मोड़ के समीप दो मोटरसाइकिल की आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस घटना में रजौन थाना क्षेत्र के मधाई गांव निवासी चरित्र मिस्त्री और जगदीशपुर थाना क्षेत्र के मखना गांव निवासी शंभू शर्मा घायल हो गए। वहीं स्थानीय लोगों से इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने दोनों घायलों को इलाज के लिए नाथनगर रेफर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए माइगन अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि दोनों घायल एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर मधुसूदनपुर ओपी क्षेत्र के गोविंदपुर जा रहे थे, तभी सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। इसको लेकर मधुसूदनपुर ओपी प्रभारी महेश कुमार ने बताया कि घटना में घायल व्यक्तियों के इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है, जबकि मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। बांका अमरपुर के कोल बुजुर्ग पंचायत अंतर्गत सिहुड़ी गांव के ग्रामीणों ने मुखिया पर घटिया नाला निर्माण का आरोप लगाते हुए सिहुड़ी भरको मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि नाला निर्माण में सीमेंट काफी कम मात्रा में दिया जाता है, जबकि घटिया बालू और सीमेंट का उपयोग कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है। वहीं इसको लेकर कोल बुजुर्ग पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि ने बताया कि वो जब ग्रामीण की सूचना पर कार्यस्थल पर पहुंचे तो देखा कि नाला निर्माण में दीवार खड़ी की जा रही थी। सरपंच प्रतिनिधि ने कहा कि वहां पर दीवार का कुछ हिस्सा गिरा हुआ था और इसके बारे में जब ग्रामीणों से पूछा गया तो लोगों ने पंचायत के मुखिया को बुलाने की बात कहकर मुखिया पर नाला निर्माण में लूट का आरोप लगाया। इसके अलावा निर्माण कर रहे मिस्त्री ने बताया कि नाला निर्माण में दो ईंट के बीच कम से कम आधा इंच की दूरी होनी चाहिए ताकि सीमेंट का मसाला अंदर जा सके, जबकि पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामीणों का कहना है कि नाला निर्माण में दो ईंट के बीच खाली जगह नहीं रखी गई। वहीं इसको लेकर कई ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए सिहुड़ी भरको मार्ग को जाम कर दिया, लेकिन पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर जाम हटवाया गया। समस्या तो यह है सर कि
कि हमको सूचना मिला था कि रसिया निर्माण नाला का हो रहा है, मैंने आके देखा तो हम देखे दीवार टूटा हुआ था, 24 घंटा के अंदर दीवार नहीं टूट सका। 18-1 का सुने मसाला दे रहा है, इसी के लिए मैंने आया, मैंने भी देखा कि ये सच्चाई है। मतलब ये नाला अपने गिरा है या कोई गिराया? अपने गिरा है, किसी गिराया नहीं, लेकिन अपने गिरा है। मतलब घटिया निर्माण? हाँ, घटिया निर्माण हुआ। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छपरा में जहरीली शराब पीने से मौत के बाद शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी, 100 लोग गिरफ्तार। जहरीली शराब से मौत मामले में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जमकर किया प्रदर्शन। बिहार नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की सारी तैयारी हुई पूरी, रविवार को सुल्तानगंज व नवगछिया में होगा मतदान। और अवैध बालू खनन के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, 7 ट्रैक्टर जब्त, 4 लोग हुए गिरफ्तार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।